लेकिन लेकिन वो प्रूफ आया ना सामने, पैसा कमाने वाले अर्निंग दिखा देते हैं भाई अपना YT स्टूडियो क्रिएटर स्टूडियो खोल कर। अब क्यों नहीं दिखाते हैं, डर लगता है क्या आपको? मैं बता देता हूँ, मैं नहीं दिखाता हूँ, आपको दिखा दिया हो ना भाई मेरा। हाँ ये बात सही है, कमाते हैं ना, इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे। अच्छा सर, पंगा ये है। अच्छा बात ये है, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मनोज दे का। इंस्टेंटली अगर वीडियोस वगैरह अपलोड करोगे तो डेफिनेटली चलेगा। थैंक यू सो मच भाई, जोरदार तालियां एक बार चुन्नू के टैग के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा चैनल 7 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद बिल्कुल डेड हो गया था, जहाँ पे 7 लाख सब्सक्राइबर और सोच कर देखो 2000 या 1000 व्यूज मिल रहे थे। तो अब यहाँ पे कैसे खड़ा हूँ उसके पीछे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। तो भाई मेरा कंटेंट होता था जो टिकटॉकर्स होते थे उनको मैं बताता था कि कैसे आप वीडियो बना सकते हो। कोई भी ट्रेंड आता था तो मैं कोशिश करता था सबसे पहले बताऊं कि बस व्यूज तभी आएंगे, तो मैं सबसे पहले टिकटॉक का ट्यूटोरियल देता था। इस तरीके से 7 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए और आपको पता है सडनली न्यूज आई टिकटॉक बैन और मेरा चैनल शिफ्टिंग में कितना टाइम लगा। शिफ्टिंग का बताता हूँ, अब शिफ्टिंग में मुझे लगभग 6 महीने रेगुलर काम करना पड़ा, और ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, दिन में कभी कभी 3 वीडियो और व्यूज डाउन, कभी कभी 2 वीडियो, फिर धीरे धीरे करके एक एक वीडियो रोज अपलोड करता रहा और ऐसे जगह बनाते रहे। तो कंसिस्टेंसी के थ्रू आपका चैनल जो है, आपने अपने आप को मॉडरेट किया। तो जो लोग कुछ अलग अलग वीडियोस डालते हैं और आपको लगता है उस पे 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, पर यार आपको वो चैनल नहीं छोड़ना है, तो आप जो दूसरा कंटेंट बना रहे हैं उस पे कंसिस्टेंसी ले आइए, आपका ऑडियंस बेस वैसा बन जाएगा।